से हमने अलग झारखंड राज्य को लड़ा था, इसके लिए बलिदान दिया था, आज वो मकसद कहीं भी पूरा नहीं हुआ है। आप अगर नहीं जानते हैं क्योंकि मैं एक झारखंड आंदोलनकारी के शहीद का पुत्र हूँ, मैं एक बार मकसद बता देता हूँ कि झारखंड हमने अलग क्यों लिया था, क्योंकि हमारी भाषा अलग थी, हमारा क्षेत्रफल अलग था, हमारे रीति रिवाज अलग थे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, लेकिन आज जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये हमारी भाषाओं को प्रोत्साहन ना करते हुए मगही, भोजपुरी और मैथिली को राज्य भाषा बना रहे हैं। खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय गया, यानी झारखंड को फिर से पूरा बिहार बनाने जा रहे हैं। अगर हम कहना चाहें तो साफ शब्द में नहीं कह सकते कि इनसे तो अच्छे अंग्रेज लोग थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अच्छे तो अंग्रेज थे, उनसे हमने 1837 में विल्किंसन रूल लिया था। ये फंस गया सी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो 1837 में सबसे पहले हमने अंग्रेजों से लड़कर विल्किंसन रूल लिया था, जिसके तहत झारखंडी के जल जमीन जंगल पर किसी अगर अधिकार होगा तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका अधिकार होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। फिर हमने 1908 में सीएनटी एक्ट लागू कर लिया, लेकिन आज वर्तमान भारतीय जनता पार्टी हमारे तमाम रूलों को, हमारे तमाम नियमों कानूनों को उल्लंघन कर रही है। आज देख सकते हैं जिस प्रकार हमारे झारखंड में सीएनटी, उसी प्रकार 377 ए बी सी डी करके ई तक आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, वहाँ भी धारा है कि उस क्षेत्र के लोग ही उस क्षेत्र में जमीन खरीद सकते हैं और वहीं पर अपना कारोबार कर सकते हैं और उसी देश से उसी क्षेत्र में युवा वहां नौकरी ले सकते हैं। दिन बहुत दुर्भाग्य होगा कि झारखंड में इस बार जो बहाली थी प्लस टू की, उसमें 75% बिहार बंगाल यूपी के लोग नौकरी लेकर चले गए। आज लोग कहते हैं कि झारखंड के लोग नक्सलवादी बनते हैं, झारखंड के लोग नक्सलवादी बनते हैं, तो महाश्वेता देवी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है आदिवासी और माओवादी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब तक नक्सलवादी है तब तक जल जमीन और जंगल जिंदा है। जिस दिन नक्सलवादी समाप्त हो जाएंगे उस दिन इन जंगल जमीनों पर, उस दिन इन जंगल और जमीनों पर बड़े बड़े बर्फेट के बुलडोजर चलेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये अंबानी और अडानी को बेचा जाएगा, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये जो बिजली उत्पादन है और ये ना गोड्डा में देखिए बिजली का प्लांट लगा है, बिजली हमारा और बल्ब बांग्लादेश का जल रहा है, बिजली हमारे झारखंड की भूमि में उत्पादन हो रही है और बल्ब बांग्लादेश का जल रहा है और कोयला हम दे रहे हैं जिला का जल रहा है। कोयला हम दे रहे हैं और चूल्हा चिल्हा का जल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमने जिस सपने के साथ अगर झारखंड राज्य था, आज वो सपना कहीं पर नहीं है। हम हमारे युवा, हम युवाओं को कहना चाहूंगा, हमारे युवा 10 पढ़ते हैं यूपी सूरत गुजरात जाकर नौकरी करते हैं। अब पता कीजिए बाहरी लोग सिंदरी बोकारो प्लांट में आकर बाहरी लोग 90% कब्जा करके बैठे हैं। तो जब तक हम अपने स्थानीय पार्टी को नहीं जिताएंगे तब तक हम जिस सपने के साथ हम लोग बिहारी मांगे चले थे, जिस सपने के साथ शिव सोरेन चले थे, जिस सपने के साथ अहर देवल यादव चले थे, इस सपने को अगर आप ही नहीं पूरा कर सकते हैं। इसलिए आज यह दौर है हम एकजुट होकर जात पात नहीं झारखंडियों के साथ, लोग आदिवासी कहते हैं तो सूरज सिंह बिस्सा जो विधायक थे उन्होंने कहा कि आदिवासी को उन्हें पता है इस झारखंड में अगर वो ब्राह्मण है, राजपूत है, मुस्लिम है, सदियों से रह रहा है वो आदिवासी है। 1932 की हथियार झारखंडी की पहचान। नाइस। तो जो 1932 के हथियार की बात करेगा वही झारखंड यहाँ पर उपलब्ध की बात करेगा। और मैं विशेष आपको आत्मना करूंगा कि लोकसभा का चुनाव अलग था, 6 महीना पहले आपने क्या परिणाम दिया वो दुख की बात है, वो एक अलग परिणाम था, वो देश के लिए था या फिर राज के लिए, आज के आपके राज के लिए विकास के लिए चुनाव होने जा रहा है। इसलिए विशेषकर ध्यान रखेंगे कि जो बाहरी लोगों ने कहा भी बोल कर दे। अरे एक बात बताइए ना, अरे झरिया कतरास बागमारा का कोयला भी बाहरी लोग खाया, धनबाद सिंगरी का माटी लोग भी बाहरी खाया, अरे वो टॉप चाची और कोई बच्चा है तो पाप वाला भी बाहरी नहीं खाएगा था नहीं। अरे बाप वाला देश हम लोग गिंदा है इस दतोईन के वही नहीं खेलेगा ना, हम लोग बाप वाला देश है, दुकान में बुधरिया दिया में दतोईन देश के जिंदा है, अब इन लोग बाहरी लोग कब्जा करेगा और हम लोग बाबा 15 साल की जो कुंडी में जाकर भुगतना करेगा, इसलिए कुंडी में बिल्कुल नहीं आने देना है। अरे 80% धनबाद गवा बैठे हैं, धनबाद 80% गवा बैठे हैं, बागमारा से सिंगरी से लेकर धनबाद पोखर तक, अब क्या कुंडी और कप्तासी के जंगलों में बाहरी लोग हुकूमत करेंगे? तो बिल्कुल अगर करेंगे तो हम सांस से कहते हैं, लोगों ने कहा था लोकसभा में कि मैं हूं चौकीदार, अगर यह नीति रहा तो झारखंड का हर एक बात रहेगा मैं हूं नक्सलवाद। क्यों नहीं बनेंगे? आप मेरा अधिकार बनाइएगा, मेरा अधिकार मुझे मिलेगा तो मेरे पास हथियार उठाने के अलावा क्या
मेरे पास आता है डाल करा रखेगा क्या? और विशेषकर माता शक्ति आई है, उनसे मैं विशेष अपील करना चाहूंगा, आप लोग विशेष रुचि ले वोट में। हम एक जगह संबोधन कर रहे थे, एक माता ने इतना कहा था कि वोट से हमें क्या मिला। हमने उनसे ये कहा कि अभी के नेताओं ने किया दिया कि नहीं दिया, लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लेकर आए आपको क्या मिला पता है? 1955 में हिंदू कोड बिल लेकर आए, आपको संपत्ति का अधिकार मिला, आपको शिक्षा का अधिकार मिला, आपको वोटिंग का अधिकार मिला, विधवाओं को जीने का अधिकार मिला। बाकी इस देश में इससे पहले महिलाओं मतलब क्या थी, सुनने में खराब लगे लेकिन सुन लीजिए, महिला यानी सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन थी इस देश में। अगर किसी ने संवेद दिया है महिला को सम्मान, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो संविधान से इलाज बचानी है, संविधान से आपको इलाज बचानी है, आप पक्ष प्रत्याशी को चुनकर विधानसभा और सांसद भेजना होगा, तभी जाकर हम उन्हें मजबूत कर सकते हैं, अपने झारखंड की लड़ाई को लड़ सकते हैं। समय तो बहुत कम है, इसीलिए मैं बस एक पंक्ति के साथ कहना चाहूंगा कि छोड़ समय कम स्टेज से आप कह रहे हैं, बोलने लोग कह रहे हैं समय नहीं है। मैं आखिरी पंक्ति के साथ यही कहना चाहूंगा कि स्थानीय पार्टी जो हमारे लोकल उम्मीदवार हैं, जो झारखंडियत की बात करे, जो आदिवासियत की बात करे, जो बिरसा मुंडा के सपनों की बात करे, विनोद बाबू के सपनों की बात करे, उनको जिताए, क्योंकि लोकसभा में हमने जिताया किसको? पटना के पीएन सिंह को जिताया, भागलपुर के निशिकांत दुबे को जिताया, हरियाणा के संजय सेठ को जिताया। अब बताइए लोकसभा में विनोद बाबू के विचार को, बिरसा मुंडा के विचार को, जो पटना और छपरा के लोग रखेंगे। एक कहावत है कि बांध न जाने प्रसव की पीड़ा, यानी जिस नारी को बच्चा नहीं हुआ है वो तो बच्चे होने के दर्द को नहीं समझ सकती। इसलिए झारखंड के दर्द को, आदिवासियों के दर्द को अगर कोई समझेगा तो यहाँ का बेटा समझेगा। आखिरी पंक्ति कहना चाहूंगा कि छोड़ मत मली राहों को, छोड़ मत मली राहों को, कांटों की राह चलना होगा। जब तक झारखंड को बचाना है तो फिर बिरसा मुंडा बनना होगा, फिर बिरसा मुंडा बनना होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।